नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तव अजीत चैनल पे मैं अजीत जाधव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भूखंड पर दशदिक्पाल देवता पूजन स्थान के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको संस्कृत वास्तु पुरुष मंत्र और उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। भूखंड पर दशदिक्पाल देवता पूजन स्थान। ड्राइंग नंबर एक में दिखने वाला आपका भूखंड यानी प्लॉट आयताकार है। भूखंड को पूरब की ओर एक ही 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ी पक्का डामरी रास्ता दर्शाती है। प्लॉट की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। भूखंड पर मध्य पूर्व, मध्य पश्चिम, मध्य उत्तर और मध्य दक्षिण ये चार मुख्य दिशाएं लिखी गई है। भूखंड पर ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य ये चार उपदिशाएं लिखी गई है। उपदिशाएं हमेशा तिरछी ही लिखनी चाहिए क्योंकि वो 45 अंश में होती है। एक डिग्री के भी फर्क से उनका मूल स्थान बदलता है। जैसे कि 44 अंश पे उत्तर ईशान्य उपदिशा होती है, 45 डिग्री पे सिर्फ ईशान्य होती है और 46 डिग्री पे पूर्व ईशान्य उपदिशा बन जाती है। इसलिए डिग्री यानी अंश को समझना बहुत ही जरूरी है। इस प्लॉट को ईंट और आरसीसी का कंपाउंड बना के बंदिस्त किया गया है। बंदिस्त प्लॉट में ही वास्तु पुरुष का निवास होता है। भूखंड के चारों दिशा में काले रंग का परमानेंट कंपाउंड दिखाया गया है। उसे सिर्फ पूर्व ईशान्य दिशा में एक गेट रखा गया है जो 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ड्राइंग नंबर 2 में हम शासन नियम अनुसार चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ने वाले हैं। मुख्य रास्ते की तरफ यानी पूरब की दिशा में आपको 4.5 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर 2 मीटर खुली जगह काफी है। प्रशासन के नियम नगर पालिका महानगर पालिका के अनुसार बदलते रहते हैं। सिविल इंजीनियर की भाषा में उसे सेटबैक डायमेंशंस कहते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने पर ही मकान के नक्शे को मंजूरी मिलती है। इफ सेटबैक डायमेंशंस आर करेक्ट देन द बिल्डिंग प्लान सैंक्शन बाय टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में कार की लंबाई 4 मीटर तक होती है, इसलिए रास्ते की ओर कम से कम 4.5 मीटर जगह छोड़नी चाहिए ताकि हमारा वाहन या कार कंपाउंड में मकान के सामने आराम से पार्क हो सके। अगर मकान में आग लग गई तो फायर फाइटिंग के लोग आकर आग को बुझाते हैं। उनका अग्नि प्रतिबंधित पानी से भरा हुआ टैंकर अंदर आता है और मकान में रहने वाले लोगों के जान माल की रक्षा करता है। इसलिए मकान या बंगलों की चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ना अनिवार्य माना जाता है। मजेंडा कलर में दिखाई देने वाला आपका मकान बंगला 14.5 मीटर लंबा और 14.5 मीटर चौड़ा बनेगा। बिल्डिंग लेबर की भाषा में मकान की लंबाई और चौड़ाई 47 फीट 6 इंच है। इसे प्रपोज्ड बंगलो के नाम से दर्शाया गया है। ड्राइंग नंबर 3 में हम दशदिक्पाल देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। पूरब का कंपाउंड वॉल और मकान के बीच का अंतर 4.5 मीटर है।
रास्ते की तरफ की कंपाउंड वॉल और बंगलों के बीच हमने हरी लाइन खींच दी है, जिससे पूरब के दोनों क्षेत्र 2.25 मीटर में समान बट गए हैं। दक्षिण का कंपाउंड वॉल और मकान के बीच का अंतर 2 मीटर है। दक्षिण दिशा की कंपाउंड वॉल और बंगलों के बीच हमने हरी लाइन खींच दी है, जिससे दोनों क्षेत्र 1 मीटर में समान बट गए हैं। पश्चिम दिशा के कंपाउंड वॉल और मकान के बीच का अंतर 3 मीटर है। पश्चिम दिशा के कंपाउंड वॉल और बंगलों के बीच हमने हरी लाइन खींच दी है, जिससे दोनों क्षेत्र 1.5 मीटर में समान बट गए हैं। उत्तर दिशा के कंपाउंड वॉल और मकान के बीच का अंतर 3 मीटर है और आखिर में उत्तर दिशा के कंपाउंड वॉल और बंगलों के बीच हमने हरी लाइन खींच दी है, जिससे दोनों क्षेत्र 1.5 मीटर में समान बट गए हैं। डॉटेड हरी लाइन दशदिक्पाल देवताओं का निवास बताती है। ड्राइंग नंबर 4 में हम दशदिक्पाल देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। हमारा प्लॉट आयताकृति है, इसलिए पूरब दिशा के दशदिक्पाल देवताओं के अधिकार में 47.21 चौरस मीटर का क्षेत्र है। वहाँ ईशानाय नमः, इंद्राय नमः, अग्नये नमः और ब्रह्मणे नमः ये 4 देवता स्थानापन्न हैं। उनका क्षेत्र हरे रंग में हैचिंग करके दर्शाया गया है। दक्षिण दिशा के दशदिक्पाल देवताओं के अधिकार क्षेत्र में 15.25 चौरस मीटर का क्षेत्र आता है। वहाँ अग्नये नमः, यमाय नमः और नैऋत्येय नमः ये 3 देवता विराजमान हैं। उनका क्षेत्र नीले रंग में हैचिंग करके दर्शाया गया है। पश्चिम दिशा के दशदिक्पाल देवताओं के अधिकार क्षेत्र में 24.27 चौरस मीटर का क्षेत्र आता है। वहाँ नैऋत्येय नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः और अनंताय नमः इन 4 देवताओं का राज है। उनका क्षेत्र मैचेंडा रंग में हैचिंग करके दर्शाया गया है। उत्तर दिशा के दशदिक्पाल देवताओं के अधिकार क्षेत्र में 25.10 चौरस मीटर का क्षेत्र आता है। वहाँ वायवे नमः, कुबेराय नमः और ईशानाय नमः ये 3 देवता विराजमान हैं। उनका क्षेत्र पीले रंग में हैचिंग करके दर्शाया गया है। हरे रंग के बॉर्डर से हमने दशदिक्पाल देवताओं की मर्यादा यानी बाउंड्री दर्शाई है और हैचिंग किए गए क्षेत्र में उनके क्षेत्रफल भी लिखे हैं। उदाहरण के तौर पे शनि के व्यास विरचित नवग्रह मंत्र का 23,000 बार जाप किया जाता है और गुरु के व्यास विरचित नवग्रह मंत्र का 19,000 बार जाप किया जाता है। हर देवता का अधिकार क्षेत्र, मंत्र, संख्या, शक्ति अलग अलग होती है। ड्राइंग नंबर 5 में हम दशदिक्पाल देवताओं के नाम घड़ी के दिशा के अनुसार यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखने वाले हैं। मध्य पूर्व मुख्य दिशा का नंबर 54 है। वहाँ ओम इंद्राय नमः देवता का स्थान है। आग्नेय उपदिशा का नंबर 55 है। वहाँ ओम अग्नये नमः देवता का अधिवास है। मध्य दक्षिण मुख्य दिशा का नंबर 56 है। वहाँ ओम यमाय नमः देवता का अधिष्ठान है। नैऋत्य उपदिशा का नंबर 57 है। वहाँ ओम नैऋत्येय नमः देवता विराजमान है। मध्य पश्चिम मुख्य दिशा का नंबर 58 है। वहाँ ओम वरुणाय नमः देवता स्थानापन्न है। वायव्य उपदिशा का नंबर 59 है। वहाँ ओम वायवे नमः देवता का अधिष्ठान है। मध्य उत्तर मुख्य दिशा का नंबर 60 है। वहाँ ओम कुबेराय नमः देवता विराजमान है। ईशान्य उपदिशा का नंबर 61 है। वहाँ
ओम ईशानाय नमः देवता स्थानापन्न है। ईशान्य उपदिशा और मध्य पूर्व दिशा के बीच का नंबर 62 है। वहाँ ओम ब्रह्मणे नमः देवता स्थानापन्न है। नैऋत्य उपदिशा और मध्य पश्चिम दिशा के बीच का नंबर 63 है। वहाँ ओम अनंताय नमः देवता स्थानापन्न है। ये सभी देवता लाल रंग के आयत में नंबर के सहित दर्शाए गए हैं। ड्राइंग नंबर 6 में हमें 81 पद वाला वास्तु पुरुष मकान में विराजमान दिखाई देता है और उसके बाहर के मंडल में लाल रंग के आयत में दशदिक्पाल देवता स्थानापन्न है ऐसा दिखाई देता है। लाल रंग के आयत और चरक्यादि देवता के अंदर ही उनका कार्यक्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है। हर देवता अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली होता है, इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर बंगला ऐसा बनाओ कि सभी दशदिक्पाल देवताओं को वास्तु और भवन के बीच उनका सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, उन्हें उनका निर्धारित क्षेत्रफल यानी एरिया मिले। यहाँ नाप यानी मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब सुनिए वास्तु पुरुष ध्यान मंत्र। ओम वास्तु मूर्ति परम ज्योति वास्तुदेवो पराशिव वास्तुदेवस्तु सर्वेशां वास्तुदेवं नमाम्यहम्। अर्थात भूमि शय्या पे शयन करने वाली वास्तु पुरुष की मूर्ति को मेरा साष्टांग नमन है। वास्तुदेव ही परम ज्योति और पराशिव है। हे वास्तु प्रभु, आप मेरा मकान, घर, धन धान्य, संपत्ति, कर्तृत्ववान संतति, मानसिक शांति एवं स्वास्थ्य प्रदान करके समृद्ध करें। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि समृद्धि और सफलता पाइए।